यूपी के गोरखपुर में एक तरफा प्यार में पागल एक प्रेमी ने लड़की की शादी में ऐसा तांडव मचाया कि वहां हंगामा हो गया। पागल प्रेमी कुल्हाड़ी लेकर शादी में पहुंच गया। रात के वक्त करीब 11 बजे स्टेज पर जयमाला की रस्म चल रही थी। दुल्हा और दुल्हन दोनों स्टेज पर थे। अभी दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई ही थी कि पिपराइज का रहने वाला गोलू विश्वकर्मा कुल्हाड़ी लेकर स्टेज पर चढ़ गया और दूल्हे पर कुल्हाड़ी तान दी। जब तक दुल्हा कुछ समझ पाता तब तक तो उसने ऐसी हरकत कर दी कि सब देखने वाले सन्न रह गए। दुल्हे को कुल्हाड़ी से डराकर सनकी प्रेमी ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिवार के लोगों ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सनकी युवक को पकड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस पूरी घटना के बाद दूल्हे पक्ष के लोगों ने लड़की विदाई कराने से ही मना कर दिया, जिसके बाद पंचायत बैठी। तब जाकर अगले दिन दूल्हे पक्ष के लोग दुल्हन को विदा कराकर अपने घर ले गए।